Warning signs of cancer. So today we'll be discussing 7 warning signs of cancer which go by the acronym CAUTION. So basically hum 7 aise sign discuss karenge jinka short form CAUTION banta hai, CAUTION. Ye word se hum ye janne ki koshish karenge aise kya signs ho sakte hain jinko hum identify karein aur cancer ko jaldi identify karein. तो सी से है चेंज. चेंज का मतलब चेंज इन ब्लैडर, बावल, वेट और एपेटाइट. इसका क्या मतलब है? चेंज इन ब्लैडर हैबिट्स, यानी कि किसी को यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई या घट गई, बार बार जाना पड़ रहा है, तो चेंज इन ब्लैडर हैबिट्स. ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर हैबिट्स. सेकेंड है चेंज इन बावल हैबिट्स, यानी कि पहले एक व्यक्ति सारी ज़िंदगी दिन में एक बार स्टूल पास करता था, अब वो 2 या 3 बार जा रहा है या दो दिन में एक बार जा रहा है, तो चेंज इन बावल हैबिट्स. तीसरा चेंज इन वेट, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. और वेट गेन वेट लॉस यूजली हम 10% मानते हैं कि 60 kg किसी का वज़न है तो 10% यानी कि 6 kg ऊपर या 6 kg कम, अनएक्सप्लेन्ड यानी कि बिना किसी कारणवश. और चेंज इन एपेटाइट, किसी व्यक्ति की भूख बिना किसी कारण से बहुत कम हो जाए या बढ़ जाए. तो सी का मतलब चेंज. ए का मतलब अ सोर दैट डज नॉट हील. अ सोर, सोर मतलब कोई ऐसा जख्म या अल्सर या चोट जो ठीक ही नहीं हो रही. किसी व्यक्ति को कहीं पे भी मुंह में, ब्रेस्ट में या शरीर के किसी भी पार्ट में कोई ऐसा अल्सर हो जाए या सोर हो जाए, सोर और अल्सर एक जैसे वर्ड्स हैं, जो ठीक ही नहीं हो रहे, कई हफ्ते महीने हो गए ठीक नहीं हो रहे, तो ये भी एक प्रकार का कैंसर का लक्षण है. यू, यू का मतलब अनयूजुअल ब्लीडिंग. अनयूजुअल ब्लीडिंग कहाँ, कहीं से भी, यानी कि वजाइना या बच्चेदानी से, रेक्टम से, यानी कि जो हमारा स्टूल पास करने का साइट है, या फिर यूरिन में, या फिर मुंह में या ब्रेस्ट में, कहीं से भी अनयूजुअल ब्लीडिंग जो नहीं होनी चाहिए. अनयूजुअल का मतलब जैसे पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज़ में मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग एक्सपेक्टेड नहीं है, तो दैट्स अ अनयूजुअल ब्लीडिंग. सो अनयूजुअल ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, ब्रेस्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन, रेक्टम या फिर सर्विक्स या वजाइना. सो अनयूजुअल ब्लीडिंग इज़ द थर्ड सिम्टम. टी, टी का मतलब थिकनिंग या लंप. कहीं पे भी कोई गांठ जिसको हम थिकनिंग बोल रहे हैं टी से, शरीर पे जो लंबे समय से हो, गर्दन में, बगल में, जांघों में या ब्रेस्ट में या पेट में, कहीं पे भी आपको हाथ फेरने पे कोई ऐसी गांठ दिख रही हो जो आपको लगे कि ये पहले नहीं थी, तो दिस इज़ अनदर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट साइन और सिम्टम. आई, आई का मतलब इनडाइजेशन. इनडाइजेशन का मतलब है खाना खाने के बाद बेवजह पेट बहुत ज़्यादा ब्लोट कर जाना नॉर्मल डाइट के बाद, या खाना हजम ही ना होना. सो आई इज़ इनडाइजेशन. इनडाइजेशन इज़ अनदर साइन ऑफ कैंसर. ओ का मतलब ऑब्वियस चेंज इन सम मोल्स, यानी कि पहले जो हमारे शरीर पे तिल या मस्से जिनको वॉट्स या मोल्स बोलते हैं, इसके साइज़ में ऑब्वियस चेंज या इसके बिहेवियर में, यानी कि उसमें से कोई डिस्चार्ज होना या उसके ऑब्वियस चेंज इन कलर. तो एनी ऑब्वियस चेंज इन एनी मोल और वॉट इज़ अनदर साइन विच इज शोइंग दैट इट माइट बी कैंसर. एन, एन का मतलब नैगिंग पेन या नैगिंग फटीग. अनयूजुअल पेन कहीं पे किसी अंग में बहुत लंबे समय से होना, या अनयूजुअल फटीग बहुत ज़्यादा थकान होना, या नैगिंग कॉफ, किसी व्यक्ति को बड़े लंबे समय से कॉफ होना जिसका कोई और कारण ना हो, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कैंसर का. तो हमने 7 सिम्टम्स बताए जिनका एक्रोनिम हमने कॉशन डाला. ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स कॉम्प्रिहेंसिव हैं, इसके बाहर भी सिम्टम्स हो सकते हैं, बट एक ये छोटा सा सिंपल सा तरीका है
आम आदमी को समझने के लिए कि कैंसर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं. दीज आर नॉट कॉम्प्रीहेंसिव. इसके अलावा भी सिम्टम्स होते हैं बट मोटे मोटे ब्रॉडली सिम्टम्स यही हैं. और जानने क्यों ज़रूरी है, जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर ये सिम्टम्स हैं तो हम तुरंत डॉक्टर्स के पास जाएं अपने और उनसे पूछें कि कहीं कैंसर तो नहीं है. ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेंगे तो उसका क्योर नियरली 100% होता है.